जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी शिक्षकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4000 शिक्षकों की भर्ती जो है वो निकली, लेकिन दोस्तों नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो प्री प्राइमरी शिक्षक बनने चाहते थे उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। दोस्तों बात कर रही हूँ एक बड़े राज्य हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले हजारों अभ्यर्थी जो प्री प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते थे उन्हें बाहर कर दिया है। ये फैसला पूरे देश की जो एंटिटी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उस पर प्रभाव डाल सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से प्रदेश के कोई भी एंटिटी जो संस्थान है वो मान्यता प्राप्त ही नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजा। पूरे मामले की जानकारी आप लोगों को विस्तार से देने वाली हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आपके भविष्य पर यह असर डाल सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक करके अगर अभी तक आप इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं, शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा के, क्योंकि तभी आपको सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। ऐसे में दोस्तों प्रदेश के इन कोर्सेज को करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। ऐसे में अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं भर्ती में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाओं को बच्चों को जो पढ़ाते थे 4000 शिक्षकों की भर्ती की जानकारी मिली। कोर्ट केस से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों की केंद्र सरकार से जानकारी मांगी थी, लेकिन नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही NTT के मान्यता प्राप्त संस्थानों की पड़ताल करने के लिए शिक्षा विभाग ने यह जानकारी मांगी थी। केंद्र की ओर से यह बाबत प्रधान सचिव शिक्षा को पत्र भेजा गया। दोस्तों अब इस मामले से शिक्षा विभाग कैबिनेट को अवगत कराएगा। संभावित है कि प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी। दोस्तों प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70% पद जो हैं वो एंटिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स वाले जो लोग हैं उनमें से 30% पद जो हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से भरने का प्रस्ताव जो है वो विभाग ने बीते दिनों तैयार किया था, परंतु अब केंद्र सरकार से प्राप्त पत्र के बाद शिक्षा विभाग नए सिरे से भर्ती के नियम बनाने में जुट गया है। तो ये फैसला सभी और राज्यों में भी लागू हो सकता है। 2010 के बाद से जो कॉलेजेस हैं उनको मान्यता देने की रोक लग गई थी, तो ऐसे में उसके बाद जहां से भी आपने प्राइवेट ऐसे जो मान्यता प्राप्त नहीं है वहां से अगर एंटिटी किया था तो वो खतरे की घंटी हो सकती है। NCTE के नियमों के तहत भर्ती की जानी है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने और शिक्षकों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय करने की सिफारिश भी की गई है। दोस्तों ये बड़ी खबर है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने वर्ष 2010 से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थान को मान्यता देने से बंद कर दिया। इसके बावजूद भी देश भर में कई ऐसे निजी संस्थान है जहां पर 2 वर्ष की अवधि का यह कोर्स जारी रखा गया। प्रदेश में 2010 से पहले प्रदेश के खुले हुए NCTE संस्थान ने मान्यता प्राप्त ही नहीं है, हजारों लोगों ने इन संस्थानों से कोर्स कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि ऐसे में जो एंटिटी करने वालों हजारों अभ्यर्थी हैं प्री प्राइमरी शिक्षक हैं उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ें। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं सभी लेटेस्ट अपडेट जो है आपके साथ टाइम टाइम पर साझा करती रहती हूं।